आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में लगाया जनता दरबार। करीब 200 फरियादियों से मिलकर सुनी उनकी फरियाद, निस्तारण के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में रामगढ़ताल स्थित वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तथा 6 पात्र MDM किचन सहित 1305 करोड़ के 114 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। कहा, विकास के लिए ना जाति ना मजहब ना क्षेत्र ना भाषा, सबका साथ और सबका विकास। प्रधानमंत्री जी के इस मंत्र को प्रदेश में प्रभावी ढंग से किया लागू। जनपद के 1000 मेधावी छात्र व छात्राओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टैबलेट व स्मार्टफोन का किया वितरण। कहा, टैबलेट व स्मार्टफोन से युवाओं को मिलेगी रोजगार की जानकारी तथा वो जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर के रूप में बढ़ सकते हैं आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवं झील मनोरंजन परियोजना का फीता काट कर किया लोकार्पण, किया निरीक्षण। कहा, वाटर स्पोर्ट्स घूमने के लिए ही नहीं बल्कि युवाओं के प्रशिक्षण का बनेगा केंद्र। सीएम योगी ने रामगढ़ताल झील में वोट पर बैठकर वोटिंग का उठाया लुत्फ। कहा, रामगढ़ताल को विकसित करने से पर्यटन को मिल रहा है बढ़ावा। 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार को अपने गृह जनपद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। गुरुवार को महाराजगंज के लिए हुए रवाना। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में संपन्न हुई व्यापार बंधुओं की मासिक समीक्षा बैठक। व्यापारियों के विभिन्न समस्याओं पर हुई चर्चा, निस्तारण के दिए निर्देश। बहुजन समाज पार्टी ने संतोष कुमार जिज्ञासु को घोषित किया गोरखपुर का नया जिलाध्यक्ष। कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का किया भव्य स्वागत। कहा, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के विश्वास पर खरा उतरने का करूंगा प्रयास। भाजपा व महानगर युवा मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री एवं बस्ती के लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी के नेतृत्व में युवा सम्मेलन हुआ संपन्न। कहा, देश व प्रदेश में विपक्ष जितनी ताकत लगा ले, बनती रहेगी देश में मोदी और प्रदेश में योगी की सरकार। गुरुवार को मोहद्दीपुर चौराहे पर गाड़ी फंस जाने के कारण यातायात हुआ बाधित। यातायात निरीक्षक और मोहद्दीपुर चौकी इंचार्ज ने पुलिस कर्मियों के साथ पहले फंसे वाहन को निकाला, फिर सड़क पर मलबा डालकर गड्ढे को किया ठीक। और गुरुवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 321 केंद्रों पर 26,019 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। फर्स्ट डोज लेने वालों में 8,952 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 17,167 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, 3 जनवरी से 15 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को लगाया जाएगा कोविड का टीका। ओमिक्रॉन को देखते हुए अवश्य लगवाएं टीका जीत का।